हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजीपे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2019 एंड 20, यानी कि एसएससी सीएचएसएल की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो इम्पोर्टेंट डेट में आपकी हो जाएगी कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब तक है, टायर वन एग्जामिनेशन कब होगी, टायर टू कब होगी, ठीक है, टाइप ऑफ पोस्ट यानी किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, एज लिमिट क्या है सभी पोस्ट के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जो पोस्ट निकली हुई जो वैकेंसी निकली है उनके लिए, एप्लीकेशन फ़ी क्या है जनरल कैटेगरी के, एससी के लिए, वोमेन के लिए, एग्जामिनेशन पैटर्न यानी कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का पेपर होंगे, टायर वन कितने मार्क्स के होंगे उसका सिलेबस क्या होगा, टायर टू कितने मार्क्स के होंगे उसका सिलेबस क्या होगा, टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या होगा, ठीक है, सिलेबस फॉर टायर वन एंड सिलेबस फॉर टायर टू, और मेरिट लिस्ट कैसे बनते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन कोई मन में बात रहती है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, इसका जो डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 3/12/2019 से स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना, कब तक है 10/1/2020 तक है, ठीक है, लास्ट डेट आपका है 10 जनवरी 2020, लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड एप्लीकेशन 10 जनवरी 2019, ठीक है 2020, लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट हो गया 12 जनवरी 2020 तक, ठीक है, यानी पेमेंट आप 12 जनवरी 2020 तक कर सकते हैं। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर वन, यानी टायर वन आपका होगा 16/3/2020 से लेकर 27/3/2020, यानी मार्च महीना में आपका होगा एग्जामिनेशन, कब से 16 से लेकर 27 के बीच में कभी भी आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। डेट ऑफ टायर टू एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव जिसको कहते हैं वो होगा 28/6/2019, यानी कि 2020 में 28/6/2020 को होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट, टाइप ऑफ पोस्ट एंड सैलरी। तो टोटल तीन टाइप ऑफ पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है। पहला आपका लोअर डिवीजन क्लर्क के LDC जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जिसका पे लेवल आपका 2 है 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट PA और स्टार्टिंग असिस्टेंट SA के, उसका पे लेवल 4 है जिसका 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में सैलरी आपकी रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A पे लेवल 4 25,000 से लेकर 81,000 तक, ठीक है। तो ये तीन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है जिनका सैलरी और पोस्ट ये रहा। अब हम लोग देखते हैं कि जो वैकेंसी निकली है SSC CHSL का उसकी एज लिमिट क्या होगा। तो एज लिमिट आपका मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 के बीच में जो है, और ये एज ऑन 1/1/2020 यानी 1 जनवरी 2020 से काउंट किया जाएंगे, ठीक है। एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का, PWD अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 10 साल का, PWD OBC कैंडिडेट के लिए 13 साल का, PWD SC ST कैंडिडेट के लिए 15 साल का, ठीक है। तो ये आपका रहा एज लिमिट। अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका हो जाएगा फुल LDC PA SA DEO का, एक्सपेक्ट DEO से इन द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th, यानी कि आप 12th पास अगर हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A इन ऑफिस, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इन इंडिया, इसके लिए भी आपका 12th पास होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम। इसमें 12th पास आप किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में भर सकते हैं, लेकिन इस पोस्ट के लिए डाटा ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप साइंस स्ट्रीम से बीच मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपको 12th में होना चाहिए। ये आपका एजुकेशन शैक्षिक योग्यता है, ठीक है। अब हम लोग एग्जामिनेशन फी के बारे में देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फी आपका 100 रुपया है फॉर जनरल के लिए कैंडिडेट के लिए, फॉर वोमेन SC ST PWD एक्स सर्विस में इसके लिए कोई फी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा टायर वन, ठीक है, जो कि आपको होने वाला है 16/3/2020 के बीच में होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर टायर टू होगा और स्किल टेस्ट टाइपिंग से टायर थ्री, ये सभी ये कुछ उन पोस्टों के लिए है जिसमें ये जरूरत है, सभी पोस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
टायर वन का सिलेबस एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, ठीक है। टायर वन का एग्जामिनेशन पैटर्न जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उस सब्जेक्ट होगा चार पार्ट में, जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो चार पार्ट रहेंगे, ठीक है। पार्ट वन आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स का, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, ठीक है। यानी टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स का, ठीक है। टोटल एक घंटा आपका टाइम रहेगा, ठीक है। ये पर है एस एस सी CHSL जो 10+2 लेवल का जो वैकेंसी आई है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। चार पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस रहेगा। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। टाइम आपका कितना रहेगा, 60 मिनट्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किसमें नेगेटिव मार्किंग है, किसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो टायर वन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, सब मल्टीपल एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.5 मार्क्स पर रॉन्ग है सर। देखिए आज जितना भी एग्जाम होता है मोस्टली में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है, लेकिन इसमें क्या है 1/2, यानी कि आप दो क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया तो एक मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या है, सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टायर वन, यानी टायर वन का सिलेबस क्या है। टायर वन का सिलेबस में हम जैसे कि हम लोग बात किए चार पार्ट होता है, तो पहला पार्ट का इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कौन सा सिलेबस है, स्पॉट द एरर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्प्लेट वर्ड, आइटम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कन्वर्जन, इंटीरियर डायरेक्टर, इनडायरेक्ट नरेशन, कंप्रेहेंशन पैसेज, ठीक है। ये आपका सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज का। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा पार्ट था, वो जुड़ा सिर्फ दूसरा पार्ट था जनरल इंटेलिजेंस। तो जनरल इंटेलिजेंस का वर्बल नॉन वर्बल टाइप, वेन डायग्राम, ड्राइंग इंटरफेरेंस, फिगर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, इंबेडेंट फिगर, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेटर ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपका जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस रहा। आगे हम लोग बात करते हैं तीसरा पार्ट, जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपका है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, एंड टाइम वर्क हो गया, ठीक है। तीसरा पार्ट आपका, तीसरा टॉपिक आपका अलजेब्रा, अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रा, आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंट्री, स्क्वायर ग्राफ और लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चौथा टॉपिक आपका है ज्योमेट्री, पांचवा आपका मेंसुरेशन, छठा ट्रिगोमेट्रिक, सातवां स्टैटिक चार्ट, ठीक है। तो ये आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस रहा। अब हम लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के। तो जनरल अवेयरनेस में आपका करेंट इवेंट होगा, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो ये आपका टोटल टायर वन का सिलेबस रहा। टायर वन का सिलेबस रहा आपका, जिसमें आपका सिलेबस हम लोग देखें जनरल इंग्लिश का, कि इंग्लिश लैंग्वेज टायर वन में चार पार्ट पेपर, 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन रहेंगे आपका इंग्लिश लैंग्वेज से, 25 क्वेश्चन रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस से, 25 क्वेश्चन रहेंगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से, 25 क्वेश्चन रहेंगे अलजेब्रा से, ठीक है। और सारे यानी कि क्वांटिटिव इंग्लिश लैंग्वेज से 50 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस से 50 मार्क्स का, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का 50 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, ठीक है। टोटल चार पार्ट है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। टोटल एग्जामिनेशन ड्यूरेशन कितना है, 60 मिनट यानी एक वन आवर, ठीक है। ये क्वालिफाई करने के बाद आपका टायर वन क्वालिफाई करने के लिए आपको टायर टू के लिए बुलाया जाएगा। टायर टू में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसको कहते हैं पेन एंड पेंसिल पेपर, यानी इसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें क्या होगा, राइटिंग ऐसे होगा 200 से 250 वर्ड के बीच में होगा। लेटर एप्लीकेशन आपको लिखना होगा 150 से लेकर 200 मार्क्स के बीच, 200 वर्ड के बीच में, ठीक है। राइटिंग ऐसे 200 से लेकर 250 वर्ड के बीच में आपको लिखना होगा। लेटर एप्लीकेशन 150 से लेकर 200 के वर्ड के बीच में आपको लिखना होगा, ठीक है। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन टायर टू आपका कितना होगा, 33%। अगर जो ये 33% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होगा टायर टू के लिए, ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो टायर वन प्लस टायर टू के मार्क्स, दोनों को मार्क्स को ऐड करके, यानी टायर वन मार्क्स प्लस टायर टू मार्क्स को ऐड करके मेरिट लिस्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए टायर टू में आपका टायर वन में 160 मार्क्स आया और टायर टू में आपका 80 मार्क्स आया, तो टोटल आपका हो गया 240 मार्क्स, कितना आउट ऑफ 300। तो ये आपका इस 240 मार्क्स के अनुसार ही आपको टायर टू का आती है मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, हमारा कॉन्टेंट आपके लिए समझ में आया, तो हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन मनोबल बना रहे।
और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।